नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। इस महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है, जैसा इस किताब का नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ठीक वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो 498A डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, 125 CRPC, DV एक्ट या किसी को लड़ रही है, लड़ लड़ के परेशान हो गए हैं, उन्हीं को गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यदि आप किसी भी पारिवारिक मुकदमे से परेशान हैं तो इस किताब को बाय करके पढ़ सकते हैं, अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, मुकदमे में पक्ष मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है। यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। अब चलिए अपनी महत्वपूर्ण वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप बहुत सारे ऐसे जजमेंट देखते होंगे जिसमें पतियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, पत्नी ने झूठा मुकदमा लगाया है या फिर पति ने डाइवोर्स केस किया है, उसे किसी फैक्ट पर डाइवोर्स आसानी से मिल गया है, सेक्शन 9 के आधार पर मेंटेनेंस देने से पति बच गया है या किसी अन्य आधार पर मेंटेनेंस देने से बच गया है, पत्नी अपना आरोप साबित नहीं कर पाई है, उत्पीड़न साबित नहीं कर पाई है, तो ऐसे में पति घरेलू हिंसा के केस में भरण पोषण या फिर कोई अन्य रिलीफ देने से बच गया है। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट देखे होंगे आपने, जैसे कि 498A फर्जी था, पति हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने उसे क्वेश्चन कर दिया, पतियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बोली जिससे अन्य पतियों को भी फायदा मिल सके। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण जजमेंट आती रहती हैं जिनसे कि एक पति के केस में वो जजमेंट आ जाने की वजह से रूलिंग जजमेंट होता है और भी पति फायदा ले सकते हैं। लेकिन देखिए, जो कुछ पति होते हैं, कुछ को तो जानकारी होती है कि कैसे उस जजमेंट का यूज करना है, अपने मामले में फायदा लेना है, लेकिन कुछ ऐसे पति होते हैं, जजमेंट रखे होते हैं, जानती हैं कि ये जजमेंट ऐसा है, ये जजमेंट मेरे केस में काम करेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन जजमेंट्स का यूज कैसे करें, कैसे फायदा लें और कैसे अपना बचाव करें। तो आज मैं आपको किसी पर्टिकुलर जजमेंट के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि यदि आपका कोई मामला चल रहा है आपके ही मामले के जैसा, कोई अन्य मामला था जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया था और उस जजमेंट से उस पति को फायदा मिल गया था और हो सकता है आपको भी मिल जाए, तो उस जजमेंट का यूज आप अपने मामले में कब और कैसे कर सकते हैं, इसे हम प्रैक्टिकली तौर पे समझने वाले हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यदि आप भी 498A से या किसी भी मैट्रिमोनियल केस से परेशान हैं और जजमेंट का मदद से अपने परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, बारीकी से चीज़ों को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यदि किसी प्रकार का कोई ऐसा जजमेंट है जो आपके लिए यूजफुल है, आप उस जजमेंट का यूज करके अपने मामले में फायदा ले सकती हैं, तो उस जजमेंट का यूज आप दो जगहों पे कर सकती हैं, दो तरीकों से कर सकती हैं। पहला जो तरीका होता है, आप जब एप्लीकेशन कोई लगा रही हैं तो उसी के साथ जजमेंट की कॉपी लगाएं और उसी में जजमेंट का जिक्र करें। दूसरा जो है वो, जब आपका आर्गुमेंट हो रहा हो तो उस समय आप रिटन आर्गुमेंट दें और उसमें उस जजमेंट का यूज करें और जजमेंट की कॉपी भी लगा सकती है साथ में। अब देखिए, पहले तरीके को हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका कोई मैटर है, जैसे कि आपकी पत्नी ने फर्जी 498A का केस किया है। अब आपने उस केस में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाया और डिस्चार्ज एप्लीकेशन इस आधार पे लगाया कि आपके ऊपर कोई आरोप नहीं बन रहे हैं, जो भी आरोप है सामान्य किस्म के आरोप हैं। अब देखिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं बन रहा है, सामान्य किस्म के आरोप हैं। आपने इस आधार पे अपने आप को डिस्चार्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र लगाया, तो आप क्या करेंगे कि जैसे कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जैसे ये बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे जजमेंट का नाम हो गया ए बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इस जजमेंट में यदि कोर्ट ने ये बात बोली है कि यदि पति के ऊपर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, तो ऐसे मामले में पति को डिस्चार्ज कर दिया गया हो, तो ऐसे में देखिए, आप इस जजमेंट का यूज अब अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन में कर सकते हैं, जहां आप लिख रहे हैं कि पति या पति के घर वालों के ऊपर सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, इन आरोपों के आधार पर 498A नहीं चल सकता। अब वहां आप कोष्टक में लिखेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक जजमेंट का नाम अब लिखेंगे ए बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सन का नाम लिख देंगे आप,
के मामले में ये कहा था कि यदि पति के ऊपर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, तो उसमें डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है, ऐसा मामला चलाए जाने योग्य नहीं है। ऐसे फिर कोष्ठक बंद करके अपनी बात आगे लिखेंगे। उसके बाद देखिए, यदि कुछ ऐसा ही आपका मामला है जिसमें पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं या जो भी बातें कही हैं, वो 3 साल पुरानी बातें कही हैं, 2 साल पुरानी बातें कही हैं, काफी पुरानी घटना बताई है, और कोई मामला है जो आपके ऊपर दर्ज है, आप उसे प्रेसिंग कराने के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगा रही हैं, तो जैसे वैसा ही यदि कोई मामला है जिसमें पत्नी ने 2 साल के बाद केस दर्ज कराया था और कोर्ट ने ये कह दिया था कि इतने पुराने मामले को, जिस मामले में पत्नी ने कारण नहीं बताया है कि 2 साल से केस क्यों नहीं दर्ज कराया गया, क्वेश्चन कर देने योग्य है, तो ऐसे में आप उस मामले को अपने केस में लाके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मामला है, इसमें ये कहा गया था, वहां पे जहां आप लिख रहे हो प्रार्थना पत्र में कि 2 साल पहले ये केस दर्ज कराया गया और कारण नहीं बताया गया है कि क्यों इतना लेट से दर्ज कराया गया, वहां पे रूलिंग के तौर पे आप जजमेंट का नाम लिखेंगे, उस जजमेंट में क्या कहा गया था वो लिखेंगे, तब जाके ऐसे में आपको फायदा मिल सकता है। तो कोई भी आप प्रार्थना पत्र लगा रहे हो, चाहे डाइवोर्स केस का लगा रहे हो, मेंटेनेंस केस में अपना जवाबदेही लगा रही हो, तो जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस के केस में आपके ऊपर कोई मामला चल रहा है, उसमें पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो आपको लग रहा है कि गलत लगाए हैं, तो आप अपने मेंटेनेंस के केस के जो रिप्लाई करेंगे उसमें जरूर लिखते होंगे कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं फर्जी आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, और इसके आधार पर उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है। तो वहां पे अब आप कोष्टक में लिखेंगे किसी जजमेंट का नाम, जिस जजमेंट में ऐसा बोला गया हो कि यदि पत्नी अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाती है, उसने झूठे आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, उसका मेंटेनेंस जो होता है उसे बंद कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो कोई यदि ऐसा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो वहां पे आप उसे कोष्टक में लिख के और रूलिंग के तौर पे लगा सकती हैं। तो पहला चीज तो हो गया, ये एप्लीकेशन में आप जो भी कोर्ट के सामने फैक्ट बता रहे हैं, जिन फैक्ट्स के आधार पे आप रिलीफ मांग रहे हैं, उन फैक्ट के लिए यदि कोई पर्टिकुलर जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, तो उस जजमेंट का आप नाम लिखेंगे, साथ ही साथ उस जजमेंट में क्या बातें बोली गई हैं जो आपके केस से मिलती जुलती हैं वो आप लिख देंगे। तो पहली चीज तो यहाँ आप यूज कर सकती हैं। दूसरा होता है जब फाइनल आर्गूमेंट होता है, देखिए जब कोई भी आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसका लास्ट में एक आर्गुमेंट होता है, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। जैसे आप मान लीजिए सेक्शन 9 का केस लगाए, उसमें भी लास्ट में जाके एक आर्गुमेंट होता है, डाइवोर्स का केस है, 125 CRPC है, क्वेशिंग के लिए है, 498 है, कोई भी केस जो होता है लास्ट में जाके वकील वकील के मध्य, यानी पार्टी पार्टी जो होती है उनके जो वकील होते हैं उनके मध्य एक फाइनल आर्गुमेंट होता है, एक आर्गुमेंट होता है, उसमें दोनों पक्ष अपनी बातें रखती हैं, उसके बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं। तो देखिए उस समय आप रिटन आर्गुमेंट दे सकते हैं, और रिटन आर्गुमेंट में जो जजमेंट आपके काम लायक है, जैसा मैंने बताया कि ये फैक्ट है, ये फैक्ट मेरे मामले से मिल रहा है और इस वजह से मेरा मामला भी इस फैक्ट के अनुसार है, और यहाँ क्वेश कर दिया गया है, डाइवोर्स केस में मुझे पति को मिल गया है, सेक्शन 9 पति को मिल गया है, मेंटेनेंस केस खारिज कर दिया गया है, DV केस खारिज कर दिया गया है, पत्नी का मेंटेनेंस बंद कर दिया गया है, पत्नी का मेंटेनेंस खारिज कर दिया गया है, ऐसी बात इस वजह से इस मामले में बोली गई है, सेम बात मेरे मामले में भी है और ये साबित भी हो रही है, तो ऐसे में मुझे ये रिलीफ दिया जाए, आप ऐसा कोर्ट के सामने लिख के रिटन आर्गुमेंट दे सकते हैं। तो जजमेंट का यही 2 सबसे महत्वपूर्ण यूज होता है, और 2 ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पे आप जजमेंट का यूज करके फायदा ले सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं अब आप समझ चुके होंगे कि आपको किसी भी जजमेंट का यूज कैसे करना है, किस प्रकार से करना है और कैसे आप फायदा ले सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और इसके पहले आपको ऐसे किसी ने नहीं बताया होगा, हो सकता है आपको कुछ जानकारी हो इसके बारे में लेकिन ऐसे डिटेल में कोई नहीं बताया होगा। तो ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।